जिस चीज का जिक्र अविनाश कर रहे थे कि ऐसे लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह की जिम्मेदारी संभाली और एक बड़ी भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी की जीत में, ऐसे कौन से नाम अनुभव हैं जो चर्चाओं में है? देखिए, तमाम सारे लोग अब इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। और स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, देखिए, वो अलग अलग जगहों के लिए होते हैं। जैसे लखनऊ स्थानीय निकाय हो गया, वाराणसी स्थानीय निकाय हो गया। और स्थानीय निकाय में जो वोटर होते हैं वो कौन होता है? वो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, मेयर होते हैं, सभासद होते हैं। तो ये उसके वोटर होते हैं और यही जाकर वोट देते हैं। अब तमाम सारे लोग, देखिए, लखनऊ उन्नाव जो स्नातक अगर हम कहें जो सीट है स्थानीय निकाय की, वहाँ पर चुनाव होना, तो तमाम सारे तकरीबन 8 से 10 लोगों ने पिछली बार, क्योंकि अभी तारीख बढ़ाई गई है, जब चुनाव चल रहे थे तभी इसमें नामांकन की समय की तारीख आ गई थी, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ हो रहे थे इसलिए निर्वाचन आयोग ने इसकी तारीख को आगे बढ़ाया और अब जो है वो 15 तारीख से नामांकन शुरू होंगे। तो हर कोई इस उम्मीद में, खासतौर से बहुत सारे लोग वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनकी कोशिश है कि पार्टी उनको टिकट दे, पर बीजेपी में जैसा दिखता है होता उसके उलट है। और सारी चीज़ें यहाँ पर जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हाई कमान है, वो तय करता है। यहाँ भी जो बैठक होगी उसमें नामों का एक पैनल बनाकर भेज दिया जाएगा, ज़िले से नाम मंगाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से नाम मंगाए गए हैं और उस पर यहाँ चर्चा होगी, कोर ग्रुप में चर्चा होगी। कोर ग्रुप में जो नाम आएंगे वही दिल्ली भेजे जाएंगे और फिर नाम दिल्ली से फाइनल होकर आएगा। पर यह है कि जब नामांकन कल से शुरू हो रहे हैं और 22 तारीख तक हैं, तो 1 या 2 दिन के भीतर बीजेपी कहां से किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी एमएलसी चुनाव के लिए, वो सारे नाम घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल, वो सारे नाम घोषित हो जाएंगे जिन पर सभी की निगाहें बनी भी हुई हैं। चूंकि अनुभव, आप बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं और आप ही जानकारी दे रहे हैं कि अब ये जो बैठक है वो सीएम आवास पर की जाएगी, लेकिन आपके पीछे काफी हलचल, काफी भीड़ हमको देखी जा सकती है, तो ये कौन लोग हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको अभी तक आपने स्पॉट किया है बीजेपी दफ्तर पर? हाँ, देखिए, तस्वीरें हम आपको अगर दिखाएं बीजेपी कार्यालय की, तो कई सारे लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में चुनकर आए, जो विधायक बने हैं, जैसे हमें यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मिले थे। इसके अलावा हमें जो राज्य मंत्री अनिल शर्मा, वो भी यहाँ मिले। इसके अलावा कुछ हमें विधायक यहाँ पर मिले, अभी अभी आशा मौर्य विधायक चुनी गई, वो भी यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा आप देखिए तो कई सारे सहारनपुर के गंगोह के विधायक हमें यहाँ पर मिले। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक चुने गए हैं वो पहुँच रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ, जो भीड़ हमें नज़र आ रही है, उनमें वो हैं जो अपना दावा कर रहे हैं इस एमएलसी चुनाव के लिए, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग पहुँचे हैं महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मिलने के लिए, हालांकि सुनील बंसल अभी अभी निकलकर मुख्यमंत्री आवास पर गए हैं बैठक के लिए। इसी तरीके से भीड़ हमें लगातार हर दिन प्रदेश अध्यक्ष के भी आवास पर दिख रही है। तो अब लोगों को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हो गया, हमारे इतने विधायक बनकर आ गए, 36 ये जो एमएलसी की जो सीटें हैं यहाँ चुनाव हो रहा है, तो हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है। महत्वपूर्ण है अविनाश अनुभव, और इसे साधने की कोशिश लगातार तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। शुक्रिया अविनाश।